थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए लोगों को। ये केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, पटामंडा एक जगह है, वहीं पे केंद्रापाड़ा, पटामंडा पटमदा, पट्टामुंडाई, पटामुंडाई। हाँ, ओके एमएनआई ओके। स्कूल ग्राउंड, अच्छा, स्कूल का क्या नाम है? एमएन हाई स्कूल, एमएन हाई हाई स्कूल है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एमएन हाई स्कूल आपको सर्च करना है और केंद्रापाड़ा बोल के आप लोग को देखने को मिलेगा। और बाकी भैया से सारा जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह का वहाँ होने वाला है। एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग निर्मल 0.7 में। दोस्तों स्वागत है सभी का। दोस्तों कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया ही हूँ। तो दोस्तों जो कि आज बात करने वाले हैं डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक के बारे में, जो कि कंपटीशन है, बहुत ही जबरदस्त और भयानक कंपटीशन होने वाला है। सार्जन भैया भी आ रहे हैं और पावर म्यूजिक भी, तो दोनों का कंपटीशन होगा। हैवी, पूरा हैवी में कंपटीशन होने वाला है। तो इसलिए वीडियो पहले ही आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन देखने जा रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। और सबसे बेस्ट आपको कौन सा डीजे अच्छा लगता है वो भी कमेंट कीजिएगा। कौन कौन, कोई तो सार्जन लवर होगा, कोई तो पावर म्यूजिक लवर होगा, तो कमेंट कीजिएगा। और क्योंकि देखिए इस चैनल में ना, जो कि निर्मल 0.7 में, आज तक हम ना कहीं भी कंपटीशन का अपलोड किए हैं, ना ही आप लोगों को कंपटीशन के बारे में बोले थे, ठीक है ना? तो आप लोगों को भरोसा शायद नहीं होगा, तो सर्जन भैया का चलिए उनका ही हम स्क्रीन रिकॉर्ड, मतलब क्या बोलेंगे, लाइव आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ठीक है ना? वीडियो में बने रहिएगा और चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और मेरा वीडियो कैसा लगता है, शॉर्ट्स वीडियो सब, लॉन्ग वीडियो सब, तो एक बार कमेंट कीजिएगा। और ज़्यादा नहीं है गाइस, और 100 क्या बोलेंगे, 100 सब्सक्राइब हो जाने से मेरा 2K कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाके 2K करवा दीजिए। तो चलिए गाइस, आप लोगों को डायरेक्ट वीडियो में ले चलते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं बोलेंगे, कि डायरेक्ट आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं। चलिए, नमस्कार भैया जी। नमस्ते। फाइनल तो 14 तारीख को फाइनल है ना? और लगभग कितना बजे से शुरू होगा? लगभग वही 1-2 बजे से स्टार्ट होगा, कितना बजे? 2 बजे से स्टार्ट होगा, शाम को? शाम पे दोपहर 2 बजे। अच्छा। और लगभग कितना बजे तक चलेगा? 11 बजे तक चलेगा। रात शाम का 10 से 11 बजे तक चलेगा ना? राइट राइट राइट। और पूछ रहे थे वहां पर, मतलब एक तो हम है और जैसे पावर म्यूजिक ना, पावर म्यूजिक जा रहा है। ठीक है। और ये अभी उधर बारिश हो रहा है या नॉर्मल है? नॉर्मल है, कोई बारिश नहीं अच्छा, है। क्योंकि भद्रक तरफ ना कहाँ बारिश हो रहा है शायद, ये इधर हो रहा है, मेदनीपुर तरफ, ठीक है। और बाकी देख लीजिए व्यवस्था, बोले वो रख के बजेगा। स्टैंड स्टैंड बाय में बजेगा, अच्छा, एकदम भाई, अगर क्योंकि कुछ हाँ, और सारा चीज तो बात हो ही गया है लगभग, मतलब कितना चौड़ाई रहेगा? चौड़ाई पावर आ रहा है 32 फीट में, अच्छा, आप भी 32 फीट में बजे। मतलब 32 फीट 32 फीट इस बार ना, ठीक है तब। इस बार क्योंकि कंपटीशन का मजा, ये जो वीडियो इस बार है, कंपटीशन का मजा डबल होगा। हाँ, लोगों को जो जिसको परेशानी है वो नहीं आएंगे ग्राउंड पे, है कि नहीं? हाँ, दूर रहेंगे, दूर रहे वो, ये ग्राउंड पे होगा ना? ग्राउंड पे है। थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए लोगों को। ये केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, पटामंडा एक जगह है, वहीं पे पटामंडा केंद्रापाड़ा, एमएनआई स्कूल, पटमदा, पट्टामुंडाई, पटामुंडाई।
एमएन हाई स्कूल ग्राउंड। अच्छा स्कूल का क्या नाम है? एमएन हाई स्कूल। एमएन हाई स्कूल है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एमएन हाई स्कूल आपको सर्च करना है और केंद्रापाड़ा बोल के आप लोग को देखने को मिलेगा। और बाकी भैया से सारा जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह का वहाँ होने वाला है। मतलब 32 फीट में लगाना है, कौन क्या स्पीकर लगा रहा है, कौन 12 इंची लगा रहा है, ना 18 इंची लगा रहा है, ना 21 या 24 या 32, जिसको जो लगाना है लगाओ, जो भी लगाना लगाना लगाओ, लेकिन वो 32 फीट में होना चाहिए। 32 फीट। बावर म्यूजिक बोला है कि मैं 32 फीट जा रहा हूँ, तो डबल सेटअप है इसका है। हिसाब से आपका देख जो लीजिए। भी है सेटअप जो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, किसी को ये नहीं है, उन्हीं के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। उनका अगर 32 फीट है तो हम लोग भी स्टैंड बाई में 32 फीट में ही रखेंगे। राइट राइट। आप यहाँ पर किसी को ये दबाव नहीं है कि वो क्या लगाएगा या हम क्या लगाएंगे। 32 फीट स्ट्रेट रहेगा, कोई ये नहीं कि टेढ़ा टेढ़ा स्ट्रेट। कर, हाँ स्ट्रेट रहेगा, पूरा सीधा 32 फीट में लगाना है। ठीक हाँ, है, स्पीड में आमने जो कंपटीशन होगा आमने सामने करेंगे। जो भी है ग्राउंड के बीच में दोनों का बजेगा, वो तो खुला जगह है। मैंने आप लोग का कागज वगज भी सारा चीज देखे, मतलब जो बात किया हुआ है। और ऐसे अगर कोई अभी दिक्कत होता है, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, क्राउड हो जाता है, तो उस समय आप लोग को क्या डिसीजन लेना है? जो लोकल प्रशासन होगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। अच्छा डिपेंड करता है, और फील्ड पे मेरे को लगता है बहुत बड़ा फील्ड है, जगह हाँ, बड़ा फील्ड है। जगह जगह बहुत ज्यादा है, लगभग 40-50 हजार आदमी वहां पे। हाँ, जो इंटरेस्टेड रहेगा, जिसको दिक्कत रहेगा अपना, वो अपना नहीं आएगा, वो अपना मेला देखेगा, मेला घूम, ये मेला से रोड से हटके है ना, राइट। इसके बगल में कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल या कोई ऑफिशियल एरिया। हॉस्पिटल तो नहीं है, ये स्कूल का ग्राउंड है, मगर अच्छा जैसे दुर्गा पूजा का टाइम है, ये स्कूल छुट्टी है हाँ, अच्छा, उस समय अभी। छुट्टी रहेगा ना। अच्छा हाँ मतलब आमने सामने कोई साइलेंट जोन जहां पर कुछ भी आपको नहीं, नहीं, नो साइलेंट, कोर्ट वगैरह, ये गांव ऐसे तो दुर्गा सही। पूजा के समय में छुट्टी रहेगा ही, लेकिन एक जानकारी हाँ दे मतलब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि सिस्टम चला रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत हो, ये लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। सामने का कोई रेलवे स्टेशन? नहीं, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे स्टेशन जो है ये 20 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ। 20 किलोमीटर आपके दूर है ना, मतलब 20 किलोमीटर के सामने है। वहां से लोग अगर कोई आना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग वहां पर आएंगे, जैसे हरिद्वार से भी लोग आएंगे। कम्युनिकेशन होगा, जैसे भद्रक से आप आ सकते हैं, भद्रक से चांदवाली, चांदवाली आली आली टू पटाउंडी पहुंच एक आप सकते, हमको लिस्ट स्ट्रेट बना के लिख दीजिएगा कि सामने का कोई रेलवे स्टेशन कहाँ है, सामने अगल बगल में कोई होटल कहाँ है, क्योंकि काफी लगभग इंडिया से लोग, लगभग पूरा इंडिया से लोग लगभग देखने आएंगे, तो अगर उन लोगों को कुछ मदद मिल जाएगा रहने उने के लिए, तो कुछ होटल का नाम भी बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि डेफिनेटली कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, ताकि लोग वहां पर रुकेंगे। कमिटी कमिटी हेल्प करेंगे सब कुछ। जो होटल होटल है यहाँ पे, मयूरी है, ग्रांड जो भी है वो है। एक लिस्ट दे दीजिएगा, ताकि अपना चैनल में छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 32 फीट में लगाना है, वो क्या लगा रहा है हमको नहीं देखना है, हम क्या लगा रहे हैं हम उसको नहीं देखना है, ये फाइनल है। चलो दोस्तों, तो ये तय हुआ, इस बार गाड़ी पे नहीं लगेगा, रख के बजाना है, लेकिन 32 फीट पे अपने हिसाब से अपना हाइट भी देखना है, कि ऐसा भी हाइट ना कि किसी को कोई दिक्कत हो, बाकी सब अपने अपने हिसाब से लगाएंगे। तो जो भी है देखिए, सब कोई अपना अपना अच्छा क्वालिटी देने का कोशिश करेंगे, और कोशिश रहेगा कि आप सभी को पसंद आए, और बस सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, आप लोग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और एक चीज, वहां पर जो भी आते हैं बहुत सारे चीजों का ध्यान दीजिए, देखिएगा खाना, और कोई भी किसी को अगर दिक्कत है तो भाई उतना भीड़, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होने वाला है,
लोग कोशिश कीजिएगा, जिसको दिक्कत है वो ग्राउंड पे आए नहीं, क्योंकि क्राउड होगा, बाजा बजे या ना बजे, लेकिन क्राउड इतना होगा कि हो सके आदमी अपना जो दोस्त वस्त है हाथ से छूट जाए। तो मोबाइल उबाइल भी अपना सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि हर तरह का आदमी रहेंगे, है ना, अपना सामान भी अपना खुद सब कोई ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो कमेटी दायित्व नहीं रहेगा किसी का पर्सनल चीज, क्योंकि वो कमेटी के अंडर में नहीं आता है, क्योंकि वहां पर ऑल ओवर इंडिया से लोग आएंगे, तो लोग अपना सामान का जिम्मेवार खुद है, ये ध्यान रखिएगा अगर खास कर। किसी को ग्राउंड के प्रॉब्लम है वो ग्राउंड के अंदर ना जाए तो बाहर रहे। हाँ वो अलग है, लेकिन चोरी वोरी जैसे होता है ना, पॉकेट मार वगैरह, तो ये चीज तो लोगों को अपना सामान का अपना ख्याल रखना ही होगा, इसमें कोई भी कमिटी का ये नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और बाकी इसको थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि लोग जान जाएंगे, और बाकी और भी अपडेट जो बाकी सारे यूट्यूबर है वो इसके माध्यम से तो दे ही देंगे। तो 14 तारीख को हो रहा है, 13 तारीख को रावण दहन है, तो जो लोग इंटरेस्टेड थोड़ा सा रावण दहन देखने के लिए भी, वो 13 तारीख को आ सकते हैं, क्योंकि एक नया, को हाँ क्योंकि है, और भैया का टेस्टिंग भी 13 तारीख को है, रात को कोशिश, है। खाली ऊपर बरसात उरसात ना हो, हम लोग भी कोशिश करेंगे जल्दी ही टेस्टिंग देके वाले हम लोग भी आते रावण हैं। दहन वहन सारा चीज देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक हम लोग के लिए होगा कि एक नया जगह दुर्गा पूजा देखेंगे, तो एक अच्छा बात है, वो भी काफी दूर घर से जाके। तो ठीक है, वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, अभी लोगों को फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि बाद में कोई किंतु परंतु ना हो। ठीक है, बाकी कौन क्या लगा रहा है वो देखना नहीं है, सबका जो अपना अपना खूबी है, जो अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं सबको अपना दिखाएंगे। 32 फीट के अंदर होने जी वाला है, तो दोस्तों वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हैं, आप सबको भी नमस्कार भैया, गुड नाइट, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ। फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय। फाइनली गाइस, पता चल गया होगा, एड्रेस भी पता चल गया होगा, और कितना बेस लगने वाला है दोनों सेटअप में वो भी प्रॉब्लम को पता चल गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो जो न्यू है मेरे इस चैनल में तो एक बार सब्सक्राइब और कमेंट करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि उसी में पता चलता है, देखते हैं हम भी कौन कौन वीडियो देखते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।